कहते हैं काबिले तारीफ होने के लिए वाकिफ़े तकलीफ होना पड़ता है। हाँ, ये सच है। चलिए कहानी के जरिए समझते हैं। एक बार की बात है, भारत वेस्ट इंडीज के बीच टेस्ट मैच खेला जा रहा था, जब डिलन ने अनिल कुंबले के मुंह पर बाउंसर दे मारा और उनका जबड़ा टूट गया। चोट इतनी दर्दनाक थी कि इंच भर भी मुंह नहीं खुल रहा था। सभी ने ये उम्मीद लगाई कि ये बंदा अब तो मैदान पर नहीं उतरेगा, लेकिन बावजूद इसके वह मैदान पर उतरे और ब्रायन लारा को आउट किया। भले ही इस मैच का कोई रिजल्ट ना निकला, लेकिन लेग स्पिनर अनिल कुंबले के इस दिलेरी को सबने सलाम किया। भाई, चोट सिर में हो या पैर में, दर्द तो होता ही है, और अगर आपके पैर पर सीधा 142 की रफ्तार से यॉर्कर लग जाए, वो भी दुनिया के टॉप बॉलर की, तो आसानी पीड़ा होती है। पैर जमीन पर नहीं लगते। उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, जब मिचेल स्टार्क का वो टो क्रशिंग डेडली यॉर्कर लगा तो मैदान पर लेट गया, दर्द से कराह रहा था। भाई, मुझसे तो देखा नहीं जा रहा था, बेबसी के साथ तरस आ रहा था, क्योंकि उसका अंगूठा ऑन द स्पॉट टूट चुका था। वेस्ट इंडीज की हार एकदम निश्चित लग रही थी। 216 का ही तो लक्ष्य था माइटी ऑस्ट्रेलिया के सामने, दो दिन से भी ज्यादा समय था, ऊपर से वो मैदान के बाहर। तीसरे दिन के स्टंप्स हो गए और उसका खेल पाना मुश्किल लग रहा था। वेस्ट इंडीज का एक बॉलर कम था, मगर अगले दिन जो उसने करके दिखाया, उसके लिए हर किसी ने उसे सलाम किया। इतने दर्द के बावजूद वो खेला, और ऐसा खेला जिसने ऑस्ट्रेलिया को नाकों चने चपवा दिए। ऐसा मैच विनिंग स्पेल जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शमर जोसेफ, कमाल की बात है ना। 24 साल का वो लड़का जो एक साल पहले सिक्योरिटी गार्ड था, जिसे कल तक उसकी टीम वाले जानते भी नहीं थे, आज दुनिया उसके नाम की माला जप रही है। क्रिकेट की दुनिया को एक सुपरस्टार मिल चुका है, लेकिन कितनी मुश्किलों का सामना करके वह फर्श से अर्श पर पहुंचा, यह जानने को हर क्रिकेट फैन बेताब है। तो आप लोगों की ही ढेर सारी रिक्वेस्ट पर आज की वीडियो में हम बताएंगे कहानी एक सिक्योरिटी गार्ड के वेस्ट इंडीज टेस्ट टीम के प्रमुख गार्ड बनने की, एक ऐसे स्ट्रगल की जिसने मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स को भी रुला दिया। तो कहानी शुरू होती है 31 अगस्त 1999 को, जब शमर जोसेफ का जन्म गुयाना के बराकारा गांव में हुआ, जहां करीब 400 लोग रहते थे। ये गांव इतना पिछड़ा हुआ था जहां बिना नाव के आना जाना संभव नहीं था। इस गांव के आसपास कोई शहर या कस्बा नहीं है। अगर शहर न्यू एम्स्टर्डम जाना हो तो वो भी 225 किलोमीटर दूर है। किश्ती पर जाने में 2 दिन लगते हैं। हालात इतने खराब थे कि इस एरिया को साल 2018 में लैंडलाइन और इंटरनेट फैसिलिटीज मिली। इससे पहले सिर्फ नाम की ही टेलीफोन सुविधा थी, और वहां सिर्फ दो खेल मशहूर थे, डोमिनोज और क्रिकेट। तो शमर को भी क्रिकेट का चस्का लग गया, लेकिन बदकिस्मती से क्रिकेट के ग्राउंड भी मौजूद नहीं थे, तो बस जंगलों में छोटे मोटे पार्क में टेप बॉल क्रिकेट खेला करते थे। इन बच्चों में पैशन तो था, मगर बैट और बॉल नहीं था, इसलिए शुरुआत में नींबू अमरूद और अलग अलग फलों से बॉलिंग किया करते थे। जब कुछ भी ना बचता तो प्लास्टिक बॉटल्स को मेल्ट करके उसी से बॉल बना के प्रैक्टिस किया करते, जिसे वहाँ जंगली क्रिकेट कहा जाता है। कटली एम्ब्रोस और कटनी वाल्श हमेशा से ही इनके फेवरेट प्लेयर रहे, जिन्हें देखकर इन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। इनके 3 बहन और 5 भाई थे। शमार को तो था क्रिकेट से अथाह प्रेम, लेकिन सिर्फ पैसे और रिसोर्स की कमी ही उनके लिए ऑब्स्टेकल नहीं थी। दरअसल इनके पेरेंट्स भी इनके क्रिकेट में लगाव को नापसंद करते थे, और जब ये छोटे थे तो इनके धार्मिक रिवाजों के मुताबिक शमार को हर शनिवार चर्च जाना होता था। ये केवल बड़े होकर ही ट्रेनिंग शुरू कर सकते थे, मगर वो ना हो सका। इतना बड़ा परिवार था, इन पर जिम्मेदारियां थी, काम तो करना ही था। तो इन्होंने अपने पिता और भाइयों के साथ लकड़ी का ही काम करना शुरू कर दिया। लकड़ियां काट छांट कर टिम्बर के तौर पर शहर भेजते, मगर एक बार एक पेड़ लगभग इन पर गिरने ही वाला था, और ये बाल बाल मौत से बचे, क्योंकि भगवान ने इन्हें इसी दिन के लिए बचा करके रखा था। लेकिन ये एक बड़ा भयावह एक्सपीरियंस था। इस हादसे के बाद ये काम की तलाश में न्यू एम्स्टर्डम चले गए, जहाँ कंस्ट्रक्शन जॉब करनी पड़ी। जो काम इन्हें पसंद नहीं था वो भी करना पड़ा, और हालात बिल्कुल खस्ता हो गए जब इन्हें 12 घंटे लंबी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करनी पड़ी, कभी दिन तो कभी रात, जिसने इन्हें क्रिकेट से बिल्कुल कट कर दिया। मगर 2023 यानी पिछले साल एक समय ऐसा आया जब इन्होंने मान लिया कि क्रिकेट में ही करियर बनाना है। इनकी मंगेतर ने इन्हें काफी सपोर्ट किया, मगर मंगेतर से ज्यादा बड़ा रोल था इनके सच्चे साथी का, जो किसी फरिश्ते की तरह इन्हें क्रिकेट की दुनिया में ले गया। रोमारियो शेफर्ड इनके पड़ोसी थे, जो कि इन्हें बचपन से ही देखते आए। ये दोनों एक ही स्कूल से पढ़े, जहाँ शेफर्ड इनके साथ क्रिकेट खेलते वहाँ ये उनके कैरेक्टर उनकी तेज रफ्तार के मुरीद हो गए। और फिर कुछ साल बाद जब इनका डेब्यू हुआ तो शमार को अपने साथ प्रैक्टिस करने भी ले जाने लगे। इनकी बदौलत शमार गुयाना के कोच से भी मिले, और 23 की उम्र में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला। मात्र 5 फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच खेले थे जब ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम में इन्हें मेडन कॉल आया, और पहले टेस्ट में इन्होंने डेब्यू किया। करा नारा के ये पहले टेस्ट क्रिकेटर बने, जिसने इतने मुश्किल समय देखने के बाद भी सपने देखना नहीं छोड़ा, क्रिकेट से दूर होकर भी इस खेल से प्यार करना नहीं छोड़ा, और आज वेस्टइंडीज के लिए डेब्यू पर थे। अपने करियर की पहली गेंद, और क्या शानदार शुरुआत की इन्होंने। पहली ओवर, पहली गेंद, और विकेट भी झटका किसका, टेस्ट क्रिकेट के बेताज बादशाह स्टीव स्मिथ। भाई साहब, देखते ही देखते 5 विकेट ले लिए। अपनी डेब्यू इनिंग्स में ऐसा कर दिखाना किसी करिश्मे से कम थोड़ी है। वेस्टइंडीज बुरे तरीके से मैच हार रहा था, मगर ये ऑस्ट्रेलिया की नाक में दम कर रहे थे। अकेले अपने दम पर कंगारू को चित करके दिखाया। दूसरी पारी में एक जोरदार बाउंसर मारा और ख्वाजा को मैदान से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया। पहले टेस्ट में इनका परफॉर्मेंस लाजवाब था, मगर दूसरे मैच में सवाल इज्जत का था।
सीरीज बचाने का था। ऑस्ट्रेलिया से मिलने वाली एक शर्मनाक हार को बस किसी तरह बदलने का था, मगर वेस्टइंडीज पहली पारी में अच्छा करने के बावजूद दूसरी पारी में फंबल कर गई। 193 पर ही सिमट गई। स्टार्क की उस गेंद ने इन्हें चोटिल कर दिया। स्कैन में फ्रैक्चर तो नहीं था, मगर जितना दर्द इन्होंने झेला वो यही जानते हैं। सुबह 3-4 तक सो भी नहीं पाए, मगर अगले दिन कंगारुओं की नींद उड़ा दी। कमाल है ना, डॉक्टर ने कहा कि आप नहीं खेलोगे। शमर ने कहा कि मैं टीम को सिर्फ चीयर करने के लिए ग्राउंड में रहूंगा, मगर फिर उनके कप्तान ब्रेथवेट ने कहा कि आज बॉलिंग की शुरुआत तुम करोगे, तुम्हें खेलना ही होगा। सोचिए वो पल कैसा रहा होगा कि जिस बंदे से चला भी नहीं जा रहा था वो मिसाइल की रफ्तार से दौड़ रहा था, जो मैदान पर अपनी किट भी नहीं लाया था अपने कप्तान के कहने पर मान गया, ये कहकर कि अंगूठे का जो होना है हो जाए, जब तक आखिरी विकेट नहीं गिरेगी मैं बॉल नहीं छोड़ूंगा। और क्या कमाल कर दिया इस बंदे ने, एक ही सांस में बिना रुके बिना थके 10 ओवर डाल दिए, वो भी करीब 145 के स्पीड से, कंसिस्टेंसली जो कि बढ़ती गई। एक ही सेशन में 6 विकेट खो दिए ऑस्ट्रेलिया ने। हालांकि पहली 10 गेंद में इन्हें 19 रन पड़ चुके थे, इसके बावजूद उन्होंने प्रेशर फील नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया को महज 103 रन चाहिए थे, 8 विकेट हाथ में थे। वेस्टइंडीज का सपने में भी चांस नहीं था, तो शमर ने पहले ग्रीन को हरी झंडी दिखाई, फिर अगली गेंद पर हेड को धराशाही कर दिया, भाई को किंग पियर पर आउट कर दिया, और भी 2 गोल्डन डक देकर। प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पर जाने लगा और एक एक करके उनका हर बल्लेबाज पवेलियन जाने लगा। डिनर तक 8 विकेट गिर गए और डिनर के बाद चीजें खत्म कर दी उन्होंने। दूसरे दिन 8 विकेट गिरा, जिसमें से 7 विकेट यही झटक गए। वन मैन आर्मी बनकर तबाह कर दिया ऑस्ट्रेलिया को और उनके इस अभेद किले में अपना परचम लहरा दिया। जिस दिलेबी से जोसेफ ने परफॉर्मेंस किया ये जितना डिजर्व करते थे गाबा टेस्ट, और 27 साल बाद वेस्टइंडीज ऑस्ट्रेलिया में जीता भी। कितना जबरदस्त था वो स्पेल, लेकिन मेरे लिए इससे भी ज्यादा महान था इनका ये स्टेटमेंट कि मेरे पास चाहे कितना ही पैसा क्यों ना जाए, T20 खेलने के लिए मैं टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए हमेशा ही अवेलेबल रहूंगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, और प्लीज आप लोगों से निवेदन है कि आप में से अधिकतर लोग वीडियो देख करके निकल जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चैनल के आंकड़े ये बताते हैं कि जितने लोग भी वीडियो देखते हैं उसमें से मात्र 20% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, बाकी 80% लोग अब भी वैसी वीडियो देख करके निकल जा रहे हैं। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोज आपके लिए लेकर के आ पाएंगे, क्योंकि हमारा अगला टारगेट 100K सब्सक्राइबर्स है और इसमें आप लोग ही मदद कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करते जाइए और लोगों से भी करवाते जाइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।